नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। हाँ जी, बताओ क्या रहा आपके साथ। मेरा नाम विष्णु विला है और मैं खारकी में रहता था। मैं VN क्राजिन यूनिवर्सिटी में 5th कोर्स में मेडिसिन पढ़ रहा था। तो 24 तारीख को जब लड़ाई शुरू हुई सवेरे, तो बाहर बहुत ज़्यादा एकदम शेलिंग होने लगी थी, बहुत आवाज़ें बाहर। हमने जब बालकनी से देखा तो बाहर बिल्कुल आसमान लाल हो रखा था, प्लेन उड़ रहे थे ऊपर, तो बहुत ही डर गए। फिर हमारी वहाँ पे बात हुई, हमने आसपास जब लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें नीचे बेसमेंट में रहना पड़ेगा। जो बेसमेंट थे वो बहुत पहले टाइम के बेसमेंट बना रखे थे उन्होंने, बिल्कुल बॉम्ब प्रूफ बेसमेंट थे, पर बंद थे बिल्कुल। वहाँ पर हम वहाँ नीचे गए, वहाँ हमने सफाई वगैरह करी, वहाँ पे कच्चा फर्श था, वहाँ पे कारपेट वगैरह बिछाए, चद्दर बिछाई, तो वहाँ पे हमने 3-4 दिन निकाले। ठंड थी क्योंकि बाहर बर्फ़ गिर रही थी, तो -5, -6 रात को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता था, पर रहना ज़रूरी था क्योंकि ऊपर कुछ नहीं पता था कब कहाँ पे क्या हो जाए। बहुत ज़्यादा बच्चों के बीच में डर था। फिर वहाँ 3-4 दिन रहे, हमने सामान वगैरह इकट्ठा करा, फिर धीरे धीरे सामान ख़त्म होने लग गया, फिर दिक्कत होने लगी, पानी पीने के लिए पानी वगैरह ख़त्म होने लग गया, तो परेशानी आने लगी थी। तो फिर हम जो सारा हमारा ग्रुप था उन्होंने फिर डिसाइड करा सबने कि यहाँ से निकला जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हालात ज़्यादा बिगड़ते जा रहे थे। उन्होंने फिर कीव से भी कह दिया था कि कीव से निकलना बहुत ज़रूरी है, कि मैं कोई ना रुके। वहाँ से सारे इंडियन इवैक्यूएट कर दिए थे और वो वहाँ से खबर आई थी कि अगली ये चीज़ कब खारकीव में होने वाली है, तो खारकीव में निकल जाओ जितनी जल्दी हो सके। फिर हमने पहले दिन कोशिश करी, तो पहले दिन वहाँ पे निकला ही नहीं गया क्योंकि मेरे घर से रेलवे स्टेशन काफ़ी दूर था, कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर था। तो पहले दिन फिर नहीं गए। फिर वहाँ सारे बैठ गए, उदास हो गए, लड़कियाँ थी जो सारे रोने लग गए कि हमारा क्या होगा। बहुत टेंशन का मतलब माहौल बन गया था वहाँ पर, क्योंकि बार बार जो बॉम्ब गिर रहे थे, बहुत शोर मचा हुआ था, लोग बहुत पैनिक हो रखे थे वहाँ पर। फिर अगले दिन हम सवेरे निकले, हम रोड पे निकले, वहाँ पे सामान लेके जितने भी हम थे साथ में, और हम रोड पे चलना हमने शुरू कर दिया। फिर चलते रहे, हमें बीच में कहीं ना टैक्सी मिली ना कुछ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे भाग दौड़ मची हुई थी, लोग सारे ही रेलवे स्टेशन की तरफ भाग रहे थे। वहाँ रेलवे स्टेशन हम मुश्किल से फिर हम 1-2 घंटे के बाद रेलवे स्टेशन पहुँचे। रेलवे स्टेशन पे ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पे कम से कम भी 2,000 या 3,000 बंदा बाहर खड़ा था रेलवे स्टेशन के, जो ट्रेन चढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर वहाँ बहुत धक्का मुक्की करके बस मुश्किल से वहाँ पे आगे बढ़ के बीच में से निकल के किसी तरह ट्रेन पे चढ़े। ट्रेन का रास्ता जो था वो 1,000 किलोमीटर का रास्ता था, जो खारकीव से लिवीव का रास्ता था, और वो बिल्कुल भरी हुई ट्रेन थी। हम बिल्कुल जो चढ़ती हुई पौड़ियाँ वहाँ पे खड़े होके आए थे, ना वहाँ पे उसमें कोई वॉशरूम, सब कुछ बंद था, सारी जगह से भरा हुआ था, सब वहाँ पे खड़े हुए उसमें ट्रेन में गए थे, बिल्कुल बहुत बुरे हाल थे। रोते हुए वहाँ के लोग रोते हुए जा रहे थे, सब अपना घर बार छोड़ के जा रहे थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेन में बहुत ज़्यादा बुरे हाल थे। फिर वहाँ लिवी पहुँच के फिर मैंने वहाँ से रोमानिया बॉर्डर की पकड़ी थी बस। रोमानिया बॉर्डर वहाँ मेरे घर से पूरा 1500 किलोमीटर दूर था, जहाँ मैं रहता था बिल्कुल दूसरी तरफ था वहाँ। फिर रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वहाँ पे हमें एम्बेसी वाले मिल गए थे, उन्होंने हमारी फिर इमिग्रेशन करवाई, जो वैसे बहुत मुश्किल होती है, पर उन्होंने हमारी बहुत वहाँ पे बहुत मदद करी, बहुत अच्छे से मतलब वहाँ पे हमें करवाया। 1 घंटे के अंदर हमारा सारा काम हो गया था और बॉर्डर क्रॉस कर लिया था हमने सारा कुछ, हमारे सारे स्टैम्प्स वगैरह लग गए थे। तो वहाँ फिर हमें बॉर्डर क्रॉस करते हमें खाना वगैरह दिया, हमें बाकी सामान दिया, बिठाया हमें वहाँ बैठने की, लेटने की सारी जगह दी कि तो तुमने जब तक यहाँ पे रेस्ट करना है तुम कर सकते हो, फिर जब फिर तुम्हें वहाँ से हम रिलीफ कैंप में ले जाएंगे। फिर वो बस से हमें फिर रिलीफ कैंप में लेके गए। बताओ भाई, फिर हमें रिलीफ कैंप लेके गए। रिलीफ कैंप में मैं 2 दिन रहा वहाँ पे, 2 दिन पूरा हमारे बहुत अच्छे से खातिरदारी गई। मैं कहूँ हमने बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ, मतलब दिमाग में भी नहीं था कि इतना कुछ होएगा, इतना कुछ आगे मिलेगा। मेरे को था मैं आगे भूखा मरना पड़ेगा, कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो मैं सामान अपने कपड़े वगैरह बाकी सामान सब कुछ वहीं छोड़ के आया था, मैं सिर्फ अपना जो ज़रूरी मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे सिर्फ वो सामान लेके आया था। तो वहाँ पहुँचा, वहाँ 2 दिन रहे, बहुत अच्छा वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने सारा कुछ प्रोवाइड करा था, भारत सरकार बहुत ज़्यादा वहाँ पे अच्छा काम करा हुआ था उन्होंने। फिर 2 दिन वहाँ रहने के बाद उन्होंने हमारी फ़्लाइट करवाई। फिर फ्लाइट में भी होता है जैसे नॉर्मल जो फ़्लाइट होती है, तो फ़्लाइट में ऐसे कोई नॉर्मल ऐसे कुछ देते नहीं, तो पर जो ये फ़्लाइट आई इतनी जो जितनी हमारी खातिरदारी करी, इतनी कि बिज़नेस क्लास की फ़्लाइट में भी नहीं होती होगी, इतनी ज़्यादा हमारी खातिरदारी करी उन्होंने। तो मैं बहुत ज़्यादा आके टेंशन फ्री हुए, बहुत ज़्यादा दिमाग पे से बोझ उठा, और मैं भारत सरकार का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ।
कितना कुछ करा ना, तो वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और बिल्कुल आइडिया नहीं था हमें। बच्चे रोते थे वहाँ पे कि पता नहीं निकलेंगे फंस जाएंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल था, पर हम पहुँच गए तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। Tulip Hospital Sonipat Department of Urology, we are excited to announce that a well-reputed senior doctor has joined us in Urology Department, Dr. Gaurav Singh Randhawa, laparoscopic uro-onco-surgeon. OPD timing, morning 9 a.m. to 10 a.m., evening 1 p.m. to 7 p.m. from Monday to Saturday. लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।